हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, अब आप क्लास 9 से पास आउट होकर के क्लास 10 में आ गए हो और हमने भी RS अग्रवाल क्लास 10 की बुक मंगा ली है। ये भी लेटेस्ट एडिशन है 2022 और 23 की। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है कि सर ये बुक मेरा प्रीवियस एडिशन का है, आपका न्यू एडिशन का है, क्वेश्चन बस देखो आगे पीछे रहते हैं, उसमें और कुछ नहीं रहता। एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बाकी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना सेम रहेंगे। बस थोड़ा सा जो नंबर रहेगा, पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा वो इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगा, बस यही रहता है। तो घबराना नहीं है, सारे वीडियोज़ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वन बाई वन सारे वीडियोज़ को देख करके मैच कर लेना आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ और सुना होगा कि क्लास 9th जो होता है वो 10th से थोड़ा सा टफ होता है, या फिर इसको उल्टा करके बोलूँ तो जो क्लास 10 होता है वो क्लास 9 से थोड़ा ईजी होता है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, यहाँ पर जो आपको क्लास 10 की अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगी वो 9th से ईजी पड़ेगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है, क्लास 9 के वीडियोज देख करके मैथ पढ़ा है तब। और अगर नहीं भी पढ़ा तो चिंता मत करो, मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में समझाऊंगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब ये चीज़ ध्यान रखना, क्लास 10 में आ गए हो, बोर्ड्स में आ गए हो, तो कुछ जो टॉपिक्स होंगे वो अब क्या होंगे, डिलीटेड हो जाएंगे आपके सिलेबस से। हर साल क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ टॉपिक डिलीट हो जा रहा है। जैसे इस बार जो 22-23 में है ना, उसमें आपके रैशनल वाले से आपका यूक्लिड वाला जो ज्योमेट्री वाला जो हमारा टॉपिक है वो हट गया है। ठीक है, यूक्लिड का जो हमारा लेमा वाला है टॉपिक, एक्सरसाइज 1A वाला, उसके अलावा आपका एक्सरसाइज 1C जो है वो भी हट गया, ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ पर जो अभी जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चा, और जब हमारा अगले साल जब कोई बच्चा आए दोबारा और उस टाइम अगर ऐड हो जाएगा यूक्लिड वाला, अगर ऐड हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपडेट करते रहना, मैं खुद ही आपको अपडेट करते रहूंगा कि कौन सा आपका जो टॉपिक है पोर्शन है वो डिलीट हुआ है और कौन सा भी बचा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B का 1, 2 और 3 जो क्वेश्चन हमारे बुक में दिया हुआ है उसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, जो हमारा एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन है, वहाँ पर हमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इसके प्राइम फैक्टर निकाल करके उसको आपको प्रोडक्ट फॉर्म में शो करना है। उसी तरीके सेकंड क्वेश्चन भी और थर्ड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन में 5005 दिया हुआ है और थर्ड वाला जो मेरा क्वेश्चन है उसमें 2431 दिया हुआ है। अगर आपके पास पुराना एडिशन होगा ना तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका आगे पीछे होगा, ध्यान रखना। तो हम लोग चलिए कैसे इनको प्राइम फैक्टर में इसको क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में शो करना है, एक्सप्रेस करना है, मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है, गिवेन नंबर जो है हमारे पास 429 है। अब यहाँ पर आप इसके फैक्टर फाइंड कर लोगे, चाहे आप फेयर में बनाओ चाहे आप एग्जाम में बनाओ, फैक्टर फाइंड करके जरूर दिखाना अगर ये क्वेश्चन आता है तब। तो देखते हैं अपन ये किससे डिवाइड हो रहा है, आपको यहाँ पर प्राइम नंबर ही लेना है, तो 2 से तो हो नहीं रहा हमारा क्योंकि लास्ट में 9 है। अगला प्राइम नंबर हमारा 3 होता है, 3 से हो रहा है कि नहीं, तो 4 और 2 हो जाता है मेरा 8, है ना। 8 और हमारा 9 कितना हो जाता है भैया, 8 और 8 16 और 1 17 होता है, तो ये मेरा 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। सॉरी सॉरी, एक सेकंड यार, यहाँ पर मेरा 4 और 2 6 होता है, मेरा ध्यान लगता है कि और चला गया था, 4 मल्टीप्लाई 2 कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 6 और 9 हमारा 15। इसका मतलब कि 15 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस हुआ बच जाएगा 1, वो आगे जाकर इसको 12 बना देगा, तो 4 3 4 जा 12 हो जाएगा हमारा। उसके बाद अब 3 3 जा हमारा 9 आ गया, तो ये बन जा रहा है हमारे पास 1 4 3। अब ये किसके टेबल में आता है, 3 में तो नहीं आता क्योंकि 4 और 1 5 और 3 8 हो रहा है, तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब देखो, अगर आपको यही नहीं पता है कि कौन से नंबर किसके टेबल में आता है, इसका तरीका क्या फाइंड करने का, तो आपको क्लास 6 और जो हमारा 8 वाला बुक है ना उसको एक बार खोल करके दोबारा से देखना चाहिए। वहाँ पर आपको मैंने पूरे जितने भी हमारे डिविजिबिलिटी रूल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जो भी चैप्टर में होगा आप एक बार जाकर के रिवीजन कर लेना। तो यहाँ पर हमने ऐड किया तो हमारा 3 से नहीं हो रहा डिवाइड। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर के पास, अगला हमारा प्राइम नंबर 5 है, उससे भी नहीं जा रहा है हमारा ये, क्योंकि लास्ट में तो 3 है, 7 से जा रहा है कि नहीं, तो 7 2 जा 14 और लास्ट में 3 बच जा रहा है, नहीं 7 से भी नहीं हो रहा है ना। उसके बाद क्या आता है हमारा अगला प्राइम नंबर 11 आता है। ठीक है, अगर 3 से नहीं हो तो 9 से तो होना मुश्किल ही लग रहा है, और 9 से भी नहीं होगा हमारा क्योंकि दिख रहा है मुझे ऐड करने पर ये मेरा कितना बन रहा है, 4 और 1 5 और 3 8 बन रहा है, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला हमारा 11 है, तो 11 से देखो ये हो जा रहा है मेरा, 11 के टेबल में हमारा 11 बन जाए, 11 हो रहा है, 3 बच जा रहा है, वो आगे जाकर 33 बना देगा, तो 33 भी 11 के टेबल में आता है, तो इसको हम 11 से ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 11 बन जाए 11, ये हो जाएगा फिर 11 3 जाए 33। अब 13 आ गया है तो डायरेक्ट हमारा 13 बन जाए 13 हो जाएगा, तो इसका जो हमारा प्रोडक्ट वाला फॉर्म हो जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे 429 जो है, अगर इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिखें तो ये हमारा इस तरीके से लिखाएगा 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, और यही इसका फॉर्म हो गया हमारा फैक्टर वाला, प्राइम फैक्टर वाला। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा गिवन नंबर है वो है 5005, इसे भी हम लोग जल्दी से प्राइम फैक्टर इसके फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5005, डिवाइड करके चेक कर लो ये कितने से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट में 5 है तो ये तो 5 से हो गई, 2 से तो हो नहीं रहा है, और 5 और 5 10 होता है तो 3 से भी नहीं हो रहा है, लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा हमारा। कर लेते हैं अपन, 5 1 जा 5 हो गया भैया, ये 2 0 उतर जाएंगे और फिर से हमारा 5 1 जा 5 हो जाएगा। अभी किससे डिवाइड हो रहा है चेक कर लो ये, अब हमारा 5 से नहीं हो रहा, 5 से तो हो गया, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा हमारा, इसके बाद का प्राइम नंबर आता है 7, 7 से हो रहा है क्या, 7 1 जा 7 हो जाएगा, या फिर 7 का जो हमारा रूल है वो आपको पता ही है कि
लास्ट वाले डिजिट को क्या करना है, डबल कर देना है, और जो बचे हुए डिजिट है उनसे उसको माइनस करना है, और फिर देखना है कि जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 7 का जो रूल है वो मुझे बहुत ही बकवास लगता है, क्योंकि अगर आप उतना रूल याद कर रहे हो 7 का, इससे अच्छा कि आप डिवाइड करके ही चेक कर लो भैया, क्योंकि दोनों में लगभग आपको बराबर टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं 7 के इसीलिए डिजिटी रूल जो है ना बहुत कम ही यूज़ करता हूँ। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे कि ये हमारा कितना हो रहा है, 7 1 7 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 3, वो आ जाएगा इसको बना देगा हमारा 30, फिर 7 4 28 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 21 बना देगा इसको वो 2 आगे जा करके, तो 21 हमारा 7 टेबल में आता है, यानी कि अब ये मेरा कंप्लीट 7 से जा रहा है। देखो इस तरीके से 7 1 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ से 3 बच गया, 3 आगे जाकर जो 30 बना देगा, तो 7 4 28 हो जाएगा, 30 में से 28 कट हुआ, बचा 2, आगे जाकर 21 बना देगा, तो 7 3 जा हमारा 21 आ गया। अब ये 143 बन गया है, जिसको हमने पिछले बार देखा था, ये 11 से जाता है 13 टाइम पे, और लास्ट में हमारा फिर 13 1 13 होता है। तो इसका जो हमारा फैक्टर वाला फॉर्म निकल जाएगा वो निकल जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। बस खत्म खेल, इतना ही आपको करना था। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें 2 4 3 1 दिया हुआ है, और इसे भी हमको वही फैक्टर वाले फॉर्म पे लिखना है। तो इसी तरीके से इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो 2 4 3 और 1 है हमारे पास, ठीक है। तो ये किससे जा रहा है भैया, लास्ट में 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 4 और 2 6 हो गया, और 3 और 1 4, 6 और 4 10 हो गया, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा है, लास्ट में 7 है ना, यानी कि सॉरी 1 है, तो ये 7 से जा सकता है, क्योंकि देखो 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, 1 है तो 5 से भी नहीं जाएगा, यानी कि ये हमारा 7 से तो कन्फर्म ही जाएगा, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा है, तो 7 से चेक कर लेते हैं। देख लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि लास्ट में 21 आता है 7 के टेबल में, तो हो सकता है 7 से चल जाए। 7 3 21 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर इसको जाकर के 33 बना देगा, 28 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर 5 आगे जाकर 51 बना रहे। नहीं भैया, 7 से भी ये नहीं हो रहा, अगर आप इसको कंप्लीट डिवाइड करके देखते हो 7 से अपने माइंड में, तो 7 से भी नहीं जाएगा। तो अगला कौन सा नंबर से ये जा सकता है हमारा, 7 के बाद हमारा अगला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होता है, 11 होता है। 11 से चेक कर लेता हूँ, 11 का रूल क्या है कि ऑड प्लेसेस जो है उनको ऐड कीजिए, इवन प्लेसेस को ऐड कीजिए, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये मैं 4, ये मेरा 3 और 2 हो जाएगा हमारे पास 5, 4 और 1 हो जाएगा 5, तो 5 में से 5 माइनस हो तो 0 आ गया, अगर 0 आ जा रहा है तो हमारा ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है। तो देखो माइनस करने के बाद कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 के टेबल में आता हो, या फिर 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो ही जाएगा, यही रूल है 11 से डिविजिबिलिटी का। तो ये मेरा हो जाएगा 11 2 जा 22, बचेगा यहाँ पर 24 में से 22 माइनस होकर के 2, बाकी जाकर इसको 23 बना देगा, तो फिर से 11 2 जा 22 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर अब 1 बचेगा, वो आगे जाकर इसको 11 1 जा 11 बना देगा, यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ। तो ये मेरा 2 2 और 1 आ गया। अब ये किससे जा रहा है हमारा, तो अब 11 से तो जाएगा नहीं, 11 2 जा 22 होगा, ये 1 बच जाएगा। 11 के बाद अगला कौन सा नंबर आता है हमारा, 13 आता है, 13 से जा रहा है क्या, 13 1 जा 13 हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद फिर बचेगा कितना हमारा यहाँ पर 2, और इधर से मेरे पास बच जाएगा कितना 7 है ना, 9 बच जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर से 91। तो हमारा 91 जो होता है वो 13 टेबल में आता है, तो ये 13 से हमारा जा रहा है। देखो 13 के टेबल में 13 1 जा 13 हो गया, 22 में से हमारा 13 माइनस हो जाएगा तो 9 बच जाएगा, ठीक है ना। इधर से हमारे पास 6, सॉरी इधर से 7 10 20 से इधर 7 हो जा रहा है, 2 और ज़्यादा हमारे पास है, तो 7 2 9 हो गया, तो हमारे पास जो 9 बचा है वो आगे जाकर के इसको 91 बना देगा, तो 13 7 जा हमारा 91 हो गया। अब ये 17 बन गया है, तो इसको केवल 17 1 जा 17 कर दो। तो यहाँ पर हमारा जो इसका फैक्टर फॉर्म निकल गया 2 4 3 1 का, वो निकल गया 11 × 13 × 17। तो देखो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आते थे ना इस टाइप से, जब आप क्लास 8 में थे 7 में थे, तो उस टाइम जो हमारा आंसर निकलता था तो छोटा छोटा नंबर निकलता था, 2 × 3 × 5, लेकिन अब जो आंसर्स आ रहे हैं वो थोड़े से बड़े नंबर निकल रहे हैं। तो बस आपको इसी का केवल प्रैक्टिस करना है, ये कन्फर्म आपसे सॉल्व होगा, चिंता मत करो, आप आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने क्लास 8 में 9 में पढ़ रखा है ना, तो ये कुछ नहीं आपके लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि HCF और LCM फाइंड कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और प्रूफ कीजिए उनको कि जो HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन होता है वही उन नंबर्स के भी प्रोडक्ट होता है। तो ये हम लोग अगले वाले क्वेश्चन एकदम डिटेल में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगा उनका लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड करा दूंगा। Thank you once again.